सो मेरी एक एवरेज इंडियन इतनी हाइट है, कंफर्टेबल मेरे दोनों पैर आराम से टिक रहे हैं, हैंडल बार एंड लीवर में थोड़ी ज़्यादा गैप है, तो जिनके हाथ छोटे उनको स्पोर्ट्स मोड तो यहाँ पर दे दिया बट इग्निशन स्विच यहाँ से हटा दी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे पीछे खड़ी है 2022 रेडर 125 का टॉप वेरिएंट डिस्क। दो वेरिएंट्स आते हैं, डिस्क एंड ड्रम। इसकी एक शोरूम प्राइस की बात करें तो वो है 91,000 रुपीज़। ड्रम वेरिएंट आपको इससे 5,000 कम में मिलेगा। डिटेल में आज इसके सारे स्पेसिफिकेशंस देखने वाले हैं। जो भी कोई इन द ईयर 2022 एक 125 सीसी की बाइक लेने का प्लान कर रहा है तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज मैं इसके कंपटीटर से भी कंपेयर करके आपको बताऊंगा। स्पेशली हम SP125 को साथ में देखकर चलेंगे, सारे स्पेसिफिकेशंस देखने वाले। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट करते हैं बाइक के फ्रंट से। तो अभी आपके सामने बाइक ब्लैक कलर में, टोटल 4 कलर चॉइसेस आपको इसमें देखने को मिल जाती है। एंड 125 सीसी की अभी जितनी भी बाइक्स इंडियन मार्केट में अवेलेबल है ना, सबसे फ्यूचरिस्टिक एंड अपीलिंग लुक आपको रेडर का देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया एग्रेसिव DRLs मिल जाती है, साथ ही में आपको पूरा LED सेटअप मिलता है, तो जो विजिबिलिटी रहने वाली है वो बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है। यहाँ पर आपको बैजिंग मिल जाती है इस टाइप के टर्न इंडिकेटर से, यहाँ पर TVS की बैजिंग मिल जाती है। टायर साइज़ की बात करें, जैसा कि मैं बताया, डिस्क वेरियंट है में आपको डिस्क, रियर में ड्रम मिलता है। जैसे आपको SP125 में मिलते हैं सेम वही डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। 80x100 R17 इंचेस के टायर्स है। टायर्स आपको ट्यूबलेस मिलते हैं फ्रंट एज वेल एज रियर में। एंड फ्रंट में आप देख सकते हो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। सस्पेंशन बहुत ही बढ़िया है, एज सच अगर आप ऑफ रोडिंग पर भी जा रहे हो तो बिल्कुल भी अनसर्टेन ब्रेकर्स आपको यहाँ पर फील नहीं होने वाले। अब चलते हैं बाइक की साइड प्रोफाइल की ओर। साइड से आप देख सकते हो आपको अपाचे 160 एंड 180 की याद दिला रही होगी, उसी के प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है। सो जो लुक्स है ना यार, बहुत ही अपीलिंग लगते हैं। 10 लीटर्स का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है, पूरा फाइबर मटेरियल है। सबसे पहले इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो 124.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि अराउंड 11.38 PS की पावर प्रोड्यूस करता है एंड 11.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ARAI क्लेम माइलेज 67 का है, बट आपको बहुत ही बढ़िया माइलेज ये देने वाली है। अगर सिटी में बात करके चले तो आपको 50 से 55 सिटी में इजीली देगी, हालांकि हाईवे पे इंडिविजुअल राइडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। इकोनॉमी पे अगर आप चलाओगे तो 70-75 भी दे सकती है। इस इंजन की मैं एक खासियत बताना चाहूँगा, एयर एज वेल एज ऑयल कूल मिल जाता है। अब ऑयल कूलर कहाँ है आप देख सकते हो, यहाँ पर वेंट्स देकर रखे गए हैं, तो जब भी गाड़ी चलेगी यहाँ से एयर डायरेक्ट जाके आपके ऑयल को ठंडा करती है। इंजन बिल्कुल भी हीटअप नहीं होता है, ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। यहाँ पर आपको इंजन काउल मिल जाता है जो कि स्पेशली कलर के साथ मर्ज हो रहा है, तो ओवरऑल गाड़ी को मतलब एक बहुत ही बढ़िया लुक दे रहा है। एक चीज़ बताना चाहूँगा, रेडर का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना गाइस, काफ़ी अच्छा मिलता है। अब अगर इसके कंपटीटर की बात करें तो ग्लैमर में भी आपको इससे कम मिलेगा, एंड SP125 में तो सिर्फ 160mm का है, बाकी आपको इसमें 180mm का मिल जाता है। तो इंडियन रोड्स पर स्पेशली जो ब्रेकर्स है ना, विथ पिलियन भी चला रहे हो तो टकराने जैसा कोई भी इशू नहीं आने वाला है। एंड 5 स्पीड गियरबॉक्स आपको इसमें मिलता है, 1 डाउन 4 अप। मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। गाइस बहुत ही पंची इसमें एग्जॉस्ट नोट देखने को मिलता है, किल स्विच नहीं है उसमें, बंद कर दे चाबी से। सो बहुत ही बढ़िया एग्जॉस्ट नोट है। आपको अपाचे, मेरी एंटॉर्क, मतलब TVS का जो एक एग्जॉस्ट नोट रहा है ना, वो पहले से ही बहुत बढ़िया रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको इसमें मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है, मतलब रियर में आपको एक ही सस्पेंशन ये सेंटर में मिलेगा। बट मैं कहना चाहूँगा कि ये मोनोशॉक भी काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं। एक मुझे रेडर की चीज़ सबसे अच्छी ये लगती है कि रियर में आपको 100 सेक्शन टायर्स मिल जाते हैं, 100x90 है। इसके अगर कंपटीटर से कंपेयर करोगे ना, SP की सबसे बेकार चीज़ मुझे ये लगती है, जितने फ्रंट में टायर है उतने ही रियर में मिलते हैं। तो जब भी आप इमीडिएट ब्रेकिंग कभी करते हो ना, तो स्किड होने का बहुत चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब रियर प्रोफाइल के हिसाब से डिसेंट ही दी है, तो ऐसा जब आपको स्किड होने जैसा कोई भी इशू नहीं आने वाला है। और रेडर में आपको पूरा फ्रंट एज वेल एज रियर में LED सेटअप मिलता है। रियर की भी आप टेल लैंप्स देख सकते हो, कुछ इस टाइप के मिलते हैं। पिलियन के लिए आपको यहाँ पर ग्रैब रेल्स प्रोवाइड करे गए हैं, और सबसे अच्छी चीज़ आपको इसके नीचे यूटिलिटी स्पेस मिल जाती है, तो कुछ भी आपको स्टफ रखना है तो आप इसी के नीचे यहाँ पर रख सकते हो। आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह या इसेंशियल चीज़ें रखनी है तो आप इसी में रख सकते हो। एंटर्न इंडिकेटर्स अगेन हेलोजन यहाँ पर मिल जाते हैं। सारी गार्ड प्रोवाइड करा गया है, रेडर की बैजिंग यहाँ पर मिल जाती है, कुछ इस टाइप का मिल जाता है आपको गियर नॉब इसका। अब सीट्स की बात करते हैं गाइस। सीट्स पर तो हालांकि मैं आपको बैठकर दिखाऊंगा, बट जैसा कि आप देख सकते हो आपको ये पूरी स्प्लिट सीट सेटअप मिल जाता है, जो कि एक बाइक को स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करता है। कंबाइंड सीट यार मतलब इतना बढ़िया लुक नहीं देती जितना स्प्लिट सीट देती है। बैठकर बात करेंगे वेट और इसके सीट हाइट की। सो मेरी एक एवरेज इंडियन इतनी हाइट है, कंफर्टेबल मेरे दोनों पैर आराम से टिक रहे हैं। 780mm की सीट हाइट मिल जाती है, वही अगर आप SP125 में देखोगे तो 790mm की मिलती है। इतने बेटर लुक्स एंड फीचर्स के साथ
TVS ने आपकी सीट हाइट का बहुत अच्छा ध्यान रखा है। जो भी कोई आप देखोगे ना, तो सबकी एवरेज इंडियन इतनी हाइट है, तो उसके लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहने वाली है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। हालांकि गाड़ी का वेट आपको 123 केजी इसका मिल जाता है, तो वेट भी मतलब ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा, कम भी नहीं बोलूँगा, 125 सीसी के सेगमेंट के लिए सफिशियंट है। एज सच कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। हैंडल बार की आप पोजिशनिंग देख सकते हो, मतलब 125 सीसी की बाइक्स में अलग हटके दिखती है, बिकॉज जो इसका एक स्पोर्टी फील आता है ना, मुझे तो मतलब अपाचे 160 की ये याद दिला रहा है। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कम्फर्ट बहुत ही बढ़िया है, राइडिंग सीट का तो बहुत ही बढ़िया है, हालांकि मैं पीछे बैठ कर अभी आपको दिखा सकता। अब चलते हैं इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की ओर। यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप की फिनिश मिल जाती है, जैसा मैं बता दिया 10 लीटर का फ्यूल टैंक है, और आप एज एन एसेसरी यहाँ पर USB पोर्ट्स भी लगा सकते हो, बट उसके लिए आपको एक चीज और करना पड़ेगी, यहाँ पर फोन होल्डर लगेगा जिससे आप फोन यहाँ पर लगा सके। तो अब हैंडल बार की बात करते हैं, उसके पहले मैं की इंसर्ट कर लेता हूँ इसमें। सो कुछ इस टाइप की कीज मिल जाती है आपको TVS की बैजिंग के साथ। तो गाइस आपको डिजिटल MID मिलती है, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि आपको ये कलर्ड मिलती है। अगर आप इसके कंपटीटर जैसे कि बताया SP में अगर आप देखोगे ना, तो उसमें ब्लैक ही दिखती है। इसमें आपको सारी चीज़ें शो कर रहा है, यहाँ पर 12,000 तक का RPM, यहाँ पर गियर इंडिकेशन आ रहा है, यहाँ पर टाइम शो कर रहा है, ट्रिप मीटर, यहाँ पर ओडोमीटर है, माइलेज यहाँ पर शो कर रहा है, बट यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो 99, तो आप इसके माइलेज पर रिलाई नहीं कर सकते, ये बहुत बार गलत भी बताता है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसमें लगी इको एंड पावर मोड। इको मोड अगर आपको सिटी कम्यूट में चलाना है, इको मोड कर दोगे तो हायर RPMs पे गाड़ी नहीं जाती है, बट जैसे ही आप स्पोर्ट्स मोड डाल दोगे तो आपकी टॉप स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाती है, बट आपको फिर उसमें माइलेज कम मिलेगा। बट कंपनी ने एक चीज़ करी है, जैसा कि इको एंड स्पोर्ट्स मोड तो यहाँ पर दे दिया, बट इग्निशन स्विच यहाँ से हटा दिया। इग्निशन स्विच बहुत ही मस्ट है, बिकॉज जब भी आप सिग्नल्स पे रहते हो तो यहाँ पर आपको चाबी बंद करना बहुत ही डिसकंफर्टेबल हो जाता है, बट इसमें आपको इंटेलिगो टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जैसा कि आपको हीरो की बाइक्स में i3S टेक्नोलॉजी मिलती है, सेम उसी टाइप है। तो सिग्नल्स पे फ्यूल सेविंग के लिए ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है गाड़ी। हैंडल बार एंड लीवर में थोड़ी ज़्यादा गैप है, तो जिनके हाथ छोटे उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर पास स्विच मिल जाता है, डिम फुल के ऑप्शंस है, टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, बेसिक ही हॉर्न प्रोवाइड कराए, राइट साइड आपको यहाँ पर सेल्फ मिल जाता है, रियर व्यू मिरर्स की भी डिज़ाइन है काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करी गई है। ओवरऑल तो आपने सारे स्पेसिफिकेशंस देख लिए होंगे, आप भी एक 125 सीसी की बाइक लेने का प्लान कर रहे हो इसलिए आपने ये वीडियो खोली। सो वर्डिक्ट की ओर आते हैं कि इस बाइक को लेना चाहिए कि नहीं। सो टोटली आपके पर्पज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एक कॉलेज गोइंग टीन हो जिसे मतलब फ्यूचरिस्टिक लुक्स चाहिए, उतना बजट नहीं है, या आप माइलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो आप आग बंद करके रेडर के लिए जा सकते हो। ग्लैमर एंड SP जैसे भी ऑप्शन है, बट आपको एक फ्यूचरिस्टिक बाइक चाहिए तो आप सेलो। देन आपके पास अगर थोड़ा बजट बढ़ा सकते हो तो पल्सर या NS जैसे भी ऑप्शंस है, बट वही चीज़ मैंने आपको बताई कि फ्यूचरिस्टिक लुक्स, रिलायबल कंपनी है TVS, और सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए एक गाड़ी चाहिए तो आप आग बन करके रेडर के लिए जा सकते हो। ओवरऑल तो मैंने सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी है, बट कुछ भी डाउट हो तो आप भेजिए, कॉमेंट में पूछ सकते हो, एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।